रहीम, आज हम आई काम पार्ट सेकंड बिजनेस स्ट्रेटजिक्स का चैप्टर नंबर फोर, और चैप्टर नंबर फोर का बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मीडियन। मीडियन की डेफिनेशन ये होती है, द सेंट्रल वैल्यू इन द अरेंज डेटा इज कॉल्ड मीडियन। आप लोग ये अपनी कॉपीज में नोट कर लें, द सेंट्रल वैल्यू इन द अरेंज डेटा इज कॉल्ड मीडियन, डेफिनेशन इसकी ये होगी। अब इसके दो केस होते हैं, व्हेन द नंबर ऑफ वैल्यूज इज ऑड, जब नंबर ऑफ वैल्यूज ऑड होंगी द मीडियन वैल्यू इज कॉल्ड मीडियन। मतलब ये फॉर एग्जांपल जैसे ये वैल्यूज है 1 4 0 7 9, ये कितनी वैल्यूज हैं, 1 2 3 4 5, ये फाइव वैल्यूज हैं। फाइव क्या होता है, इवन या ऑड, ऑड तो फिर इसको पहले अरेंज कर लेंगे, डेटा को अरेंज करने के बाद फाइव वैल्यूज की हमने क्या पढ़ा कि उसकी मिडिल वैल्यू मीडियन होती है। ये देखिए यहाँ पर फाइव थी, आपने दो यहाँ से और दो यहाँ से, और दरमियान में जो एक वैल्यू बच गई तो ये एक वैल्यू आपके पास मीडियन होगी। ये देखें ये मिडिल वैल्यू है, ये मिडिल वैल्यू इसमें क्योंकि डेटा ऑड था इस वजह से इसकी मिडिल वैल्यू मीडियन आ गई। ये इसकी बड़ी आसान सी स्टेटमेंट है, ये व्हेन द नंबर ऑफ वैल्यूज इज ऑड द मिडिल वैल्यू इज कॉल्ड मीडियन। देखिए इसमें मिडिल वैल्यू मीडियन आ गई। अब यह कि व्हेन द नंबर ऑफ वैल्यूज इज इवन द मीन ऑफ टू मिडिल वैल्यूज मीडियन। इसमें आपके पास देखिए 1 2 3 4 5 6 6 वैल्यूज हैं। पहले तो डेटा को अरेंज कर लिया, अरेंज करने के बाद इसमें आपके पास जो सेंटर में आपके पास दो वैल्यूज बचनी चाहिए, दो वैल्यूज बचेंगे और इसलिए उसको टू से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इस तरह से ये आपका मीडियन का कंसेप्ट है। अब हम इसके ग्रुप डेटा का क्वेश्चन करेंगे इस साल। ग्रुप डेटा में मीडियन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये तो था अनग्रुप डेटा के लिहाज से। ग्रुप डेटा में अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 20 है बुक्स। क्वेश्चन नंबर 20 में हाइट कैलकुलेट मीडियन, हाइट है आपके पास 60 से 62, 63 से 65, 66 से 68, 69 से 71, 72 से 74। अब फ्रीक्वेंसी आपके पास 5, 18, 42, 27 और 8। ग्रुप डेटा का मीडियन फाइंड आउट करने के लिए हमें CB यानी कि क्लास बाउंड्री और दो कॉलम बनाने पड़ते हैं, एक CB का क्लास बाउंड्री और एक CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्लास बाउंड्री बनाने के लिए 63 में से 62 को माइनस किया जाता है, 63 माइनस 62 बाई 2, 1 बाई 2, 0.5। ये किस तरह से 63 में से 62 को माइनस कर दिया और उसको 2 से डिवाइड कर दिया, 1 बाई 2 0.5। अब इस 0.5 को करना क्या है, इस सारे में से माइनस कर देना है और इस सारे में 0.5 प्लस कर देना है, यानी कि यहाँ से माइनस करेंगे 60 में से आपके पास कितना आ जाएगा 59.5, 62.5, 62.5 से 65.5, इसमें से काम करें 65.5 से 68.5, इसमें से लेस करें 68.5 और इसमें प्लस करें 71.5, इसमें से लेस करें 71.5 और इसमें प्लस करें 74.5। ये हमारे पास CB के लिए फिर ये होता है, ये सेम आनी चाहिए, अगर सेम ना हो तो CB गलत होती है। अब हाइट वाले से हमने CB वाला कॉलम बना लिया, अब हम F वाले से CF वाला कॉलम बनाएंगे। CF वाला कॉलम बनाने के लिए जो सबसे पहली वैल्यू है ना 5, इसी तरह से लिखेंगे। अब ये कैलकुलेटर पे आप प्रेस करें 5, फिर प्लस, फिर 18 कौन सा वाला है, ये 5 में 18 प्लस कर दो आपके पास 23। अब 23 कैलकुलेटर पर उसी तरह से रहने दें, फिर उसमें प्लस 42 करें 65, फिर उसी में प्लस 27 करें 92, और फिर उसी में प्लस 8 करें तो आपके पास 100। जो CF के लास्ट वैल्यूज होती है इसको N कहते हैं या फिर समीशन F कहते हैं।
जो सी एफ की लास्ट वैल्यूज होती है उसको एन जो समीशन एफ कहते हैं वो इसके इक्वल, यानी कि इसको ऐड करें तो हमारे पास ये भी 100 आना चाहिए। अगर जो इसको प्लस करने से आता है वो सी एफ की लास्ट वैल्यूज होनी चाहिए। अगर ये दो चीज़ें सेम ना हो, अगर ये दो वैल्यूज सेम ना हो तो इसका मतलब है कि आपने सी एफ वाला कॉलम गलत बनाया। अब हम इसके बाद इसका फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला है एक्स, ये जो एक्स के ऊपर ये साइन डाला जाता है ना इसको चिल्डा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? चिल्डा। तो अब इसका फार्मूला ये होता है एल प्लस एच बाई एफ एन बाई टू माइनस सी एफ। मीडियम का फार्मूला क्या है? एल प्लस एच बाई एफ एन बाई टू माइनस सी एफ। ये सिर्फ इस सिंबल को, ये जो ये वाला सिंबल है ना, ये इसको सिर्फ इसको पढ़ते हैं चिल्डा, पूरे को नहीं बोलते, सिर्फ ये जो अलमदा की तरह जो सिंबल लग रहा है इसको चिल्डा पढ़ते हैं। अब टेबल मुकम्मल करने के बाद आपने जो सबसे पहला काम करना है वो ये करना है कि आपने एन बाई टू ले लेना है। एन बाई टू, एन बाई टू, एन आपके पास है 100 बाई टू, तो ये आपके पास आ गया 50। अब इस 50 को आपने सी एफ में देखना है। अब आप देखते जाएं, मसलन ये जो एन बाई टू आ गया 50, तो आप 50 इसमें देखेंगे 5, यानी कि ये 50 है। 50 किसके अंदर आता है? सी एफ में 50 किस वैल्यू के अंदर आता है? 5 में तो नहीं आता, 23 में भी नहीं आता, 65 में आता है। या फिर आप इस तरह से समझ सकते हैं, यानी कि एन बाई टू जो आता है ना 50, आप ये समझ लें कि आपसे कोई 50 रुपीज़ उधार मांग रहा है। ठीक है, तो आप पहले देखें, पहले आपके पास 5 रुपीज़ है उसमें से आप 50 नहीं दे सकते। दूसरी वैल्यू 23 है, 23 में से भी आप 50 नहीं दे सकते। और थर्ड वैल्यू आपके पास 65, इसमें से आप 50 रुपीज़ दे सकते हो ना। इसका मतलब है कि ये हमारे पास है मीडियन क्लास। ये हमारे पास क्या है? मीडियन क्लास। तकरीबन सारा डेटा हमें यहीं से मिलता है, इस मीडियन क्लास से। अब इसमें सिर्फ जो सी एफ है वो इसे प्रीसीडिंग वैल्यू आ जाएगी। सी एफ इसे जो जो मतलब 50, ये इसे जो प्रीसीडिंग वैल्यू है ना वो उसको सी एफ कहेंगे, 23। फिर ये देखें, एन बाई टू भी आ गया, सी एफ भी आ गया। अब आपके पास क्या रह गया? एल, एच और एफ। इसके बाद फिर एफ लिख लें। एफ, एफ क्या होता है? जहाँ पर मीडियम क्लास है वहाँ उस पर एफ कितना है? 42। यानी कि इस लाइन के अंदर एफ कितना है, दूसरे लफ्जों में। अब सी बी वाले में जो सी बी की लोअर लिमिट है इसको एल कहते हैं, कितनी है? 65.5। और एच किसको कहते हैं? अपर में से लोअर लिमिट माइनस कर दें, यानी कि 68.5 माइनस 65.5, ये आपके पास आ गया 3। ये किस तरह से आया? 68.5 माइनस 65.5 माइनस करके। तो अब हम इसमें वैल्यू पुट कर लेंगे। एल है हमारे पास 65.5 प्लस एच 3 बाई एफ 42, एन बाई टू 50 माइनस 23। सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे। 65.5 प्लस 3 बाई 42 को ऐसे ही लिखा, 50 माइनस 23, 27 आ गया। आप 65.5 प्लस 27 को 3 से ले लिए, 81 बाई 42। 65.5 प्लस 81 डिवाइड 42, ये आपके पास आ गया 1.92 प्लस 65.5, तो ये हमारे पास आ गया 67.42। तो ये हमारे पास आंसर, मीडियम है हमारे पास।